हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, सेक्शन 125 सीआरपीसी उन प्रोविजंस को डील करता है जिसमें कि वाइफ को, बच्चों को, माता पिता को मेंटेनेंस या भरण पोषण भत्ता दिलाया जा सकता है। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें की वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है? फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन परिस्थितियों की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो ये कहता है कि नो वाइफ इज एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट और शी लेफ्ट द हाउस ऑफ द हस्बैंड विदाउट सफिशियंट रीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी वाइफ भरण पोषण भत्ता अपने हस्बैंड से प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी जो कि एडल्ट्री में रह रही हो, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके अनैतिक संबंध हो, या वह अपनी स्वेच्छा से अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली गई हो, उसके साथ नहीं रह रही हो, या हस्बैंड और वाइफ दोनों ही स्वेच्छा से, म्यूचुअल कंसेंट से, परस्पर सहमति से सेपरेट रह रहे हो। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है 125 सबसेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फ्रेंड्स, एक बार यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो क्या मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है? फ्रेंड्स, 125 सबसेक्शन 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये कहता है कि ऐसा प्रूफ हो जाए, ऑन प्रूफ वर्ड यूज में लिया, ऑन प्रूफ एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट और विदाउट सफिशियंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड द मजिस्ट्रेट मे कैंसिल द ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि यदि ऐसा प्रमाण मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाए या इस प्रकार की एप्लीकेशन फाइल की जाए कि पूर्व में कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ परंतु उस ऑर्डर होने के पश्चात वाइफ ने एडल्ट्री में रहना स्टार्ट कर दिया, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध बना लिए, या बिना किसी सफिशियंट रीजन के हस्बैंड के साथ वह नहीं रह रही है, या दोनों ने ही ऑर्डर होने के पश्चात अपनी पारस्परिक सहमति से पृथक रहने का फैसला कर लिया, तो ऐसा प्रूफ होने के बाद मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। फ्रेंड्स, 125 के जनरल प्रोविजंस केवल वाइफ के लिए नहीं बल्कि माता, पिता, बच्चे और वाइफ सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 125(4) एंड 125(5) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केवल वाइफ को मेंटेनेंस किन परिस्थितियों में डिनाई किया जा सकता है इस बारे में डील करता है। फ्रेंड्स, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए। एक सबसे पहले एक लेटेस्ट जजमेंट मुंबई हाईकोर्ट का हुआ 18/12/2019 को। केस का टाइटल है संजीवनी रामचंद्र वर्सेस रामचंद्र ब्रह्माओ। इसमें यह कहा गया कि यदि डाइवोर्स की डिग्री एडल्ट्री के आधार पर ग्रांट होती है हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ एडल्ट्री में रह रही है और हस्बैंड ने एक डाइवोर्स केस लगाया और डाइवोर्स की डिग्री फैमिली कोर्ट से एडल्ट्री के बेसिस पर ग्रांट हुई है तो वो वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया जिसमें कि ये डिसाइड हुआ 26 अगस्त 2003 को। केस का टाइटल है देव नारायण हल्दर वर्सेस श्रीमती अनुश्री हल्दर। इसमें वाइफ अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही थी, उनके बीच में किसी प्रकार का झगड़ा भी नहीं था, वो यदा कदा घूमने भी जाते थे लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ रहने में नहीं रहती थी, उसने रिफ्यूज कर दिया था, तो ऐसी वाइफ भी मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। फ्रेंड्स, एक रिसेंट जजमेंट आया ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने अभी निर्धारित केस जजमेंट में 13/2/2020 को। केस का नाम है बसम्मा वर्सेस प्रभसम्मा। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, वाइफ ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई कि मैं अलग रह रही हूं और हस्बैंड मुझे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी हैं उनका भी मेंटेनेंस वाइफ ने क्लेम किया। हस्बैंड की एप्लीकेशन पर डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट में हस्बैंड की पैटर्निटी प्रूफ नहीं हुई, ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो बच्चा हस्बैंड का ही था, तो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि वो एडल्टरी में रह रही है, इस कारण वो ऐसी वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। फ्रेंड्स,
यदि म्यूचुअल कंसेंट से हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं तो वो वाइफ भी मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है एज पर सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. लेकिन यदि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री हुई है तो ऐसी वाइफ मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिनी है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 1995 केस का नाम है श्रीमती वनमाला वर्सेस श्री एच एम रंगतथाला. इसमें यह अभी निर्धारित किया कि सेपरेट बाय म्यूचुअल कंसेंट रहना, म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रहना और डाइवोर्स की डिग्री म्यूचुअल कंसेंट से लेना, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है. इसलिए ऐसी वाइफ जिसने डाइवोर्स की डिग्री बाय म्यूचुअल कंसेंट ली हो वो मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिनी है. तो फ्रेंड्स, एडल्ट्री के बेसिस पर म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रह रहे हैं, इस बेसिस पर यह यदि वाइफ स्वेच्छा से हस्बैंड का परित्याग कर देती है तो ऐसी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है. आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.